नमस्कार। अब हम छठी कक्षा के थर्ड लैंग्वेज हिंदी पाठ्यक्रम से पाठ एक जागो हुआ सवेरा इस पाठ से संबंधित एक वर्कशीट करते हैं। प्रश्न एक है, किन पंक्तियों में सवेरा होने की बात किरणें कह रही हैं? किरणें, सूर्य के किरणें, सनराइज। किरणें कहती हुआ सवेरा, नहीं रहा अब कहीं अंधेरा। अंधेरा यानी कि अंधकार है, डार्कनेस। प्रातःकाल सूर्य की किरणों से, सूर्य के किरण जब धरती पर पड़ते हैं तो अंधेरा समाप्त होता है और सर्वत्र प्रकाश फैल जाती है। किरणें कहती हुआ सवेरा, नहीं रहा अब कहीं अंधेरा। इन पंक्तियों से हमें सवेरा होने की बात किरणें कह रही हैं। प्रश्न दो, किन पंक्तियों से ठंडी हवा चलने की बात कही जा रही है? ठंडी हवा यानी कि शीतल वायु, कूल ब्रीज। किन पंक्तियों से हमें शीतल वायु वहां चलने की बात कही जा रही है? ठंडी हवा बहे मतवाली, सबको ताजगी देने वाली। वह ठंडी हवा आने से सबको, सबका मन प्रसन्न हो रहा है और सभी को एक ताजापन का अनुभव हो रहा है। ताजगी यानी कि ताजापन, फ्रेशनेस। ठंडी हवा बहे मतवाली, सबको ताजगी देने वाली। प्रश्न तीन, किन पंक्तियों में कोयल के मधुर स्वर में बोलने की बात कही गई है? कोयल के मधुर स्वर, कोयल का मीठी आवाज किन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है? काली कोयल बोल रही है, कान में मिश्री घोल रही है। अब लिखते हैं, काली कोयल बोल रही है, कान में मिश्री घोल रही है। देखिए, काली कोयल बोल रही है, कान में मिश्री घोल रही है। कोयल अपनी मीठी आवाज से हमें आकर्षित कर रही है। प्रश्न चार, तितलियों के पंखे कैसे हैं? तितली यानी कि बटरफ्लाई, इसके पंखे बहुत सुंदर होते हैं। पंखे यानी कि विंग्स। तितलियों के पंखे रंग बिरंगे होते हैं, यानी कि विविध वर्णों में, विविध रंगों में बहुत आकर्षक होते हैं। तितलियों के पंखे रंग बिरंगे होते हैं, रंग बिरंगे। तितलियों के पंखे रंग बिरंगे होते हैं। प्रश्न पांच, प्रस्तुत कविता में कवि किसका वर्णन कर रहे हैं? कवि प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन। प्रातःकाल यानी कि सवेरा, अर्ली मॉर्निंग। प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ अर्ली मॉर्निंग। छह, किरण शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। किरण शब्द को और किन किन शब्दों से हम
पहचान सकते हैं। किरण यानी कि रश्मि, अंशु, प्रभा। एक बार फिर पढ़ती हूँ मैं, रश्मि, अंशु, प्रभा। प्रश्न सात, हवा शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। हवा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं पवन, समीर, अनिल। हवा का मतलब है वायु, विंड, इसे हम पवन, समीर और अनिल भी कह सकते हैं। प्रश्न आठ, सवेरा शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सुबह, भोर, प्रातःकाल। Synonyms of Savera means early morning. Subah, Bhor, Pratahkal. Savera शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। Subah, Bhor, Pratahkal. इसके साथ इस worksheet समाप्त होता है। नमस्कार।